अपडेट आ रही है कार्तिक आर्यन की मोस्ट अवेटेड फिल्म शहजादा को लेकर के, जो 10 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसका रिलीज डेट पोस्टपोन हो गया है क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म पठान छप्पर फाड़ कर कमाई कर रही है और 5 दिन में ही 500 करोड़ का कलेक्शन पार कर लिया है। सो इसके सामने कोई बेवकूफ़ ही अपनी फिल्म रिलीज करेगा और ऊपर से वो भी रीमेक है, इसलिए फिल्म के मेकर्स ने रिलीज डेट पोस्टपोन कर दिया है। और इसके नए रिलीज डेट की बात करें तो फिल्म 17 फरवरी को रिलीज होगी। सो आप इस डिसीजन को किस तरह से देखते हैं, क्या रिलीज डेट पोस्टपोन करना चाहिए था या नहीं, कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट अपडेट आ रही है थालोपति विजय की अपकमिंग फिल्म को लेकर के, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है पर अभी इसका टाइटल अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन फिल्म को लोकेश कनगराज डायरेक्ट करने वाले हैं, जिन्होंने इससे पहले विजय के साथ मास्टर बनाई थी, तो वहीं अब विजय की सरसठवीं फिल्म होगी। सो इस मूवी से रिलेटेड कुछ और अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है आदित्य रॉय कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म गुमराह को लेकर के, जिसका रिलीज डेट कन्फर्म हो गया है। फिल्म 7 अप्रैल को रिलीज होने वाली है, तो वहीं एक एक्शन क्राइम थ्रिलर होगी जिसमें आदित्य रॉय कपूर डबल रोल में होंगे और उनके साथ मृणाल ठाकुर लीड रोल में होंगे। लेकिन एक बुरी खबर है क्योंकि ये भी एक रीमेक है। हाँ भाई, यह सुपरहिट तमिल फिल्म थदम की रीमेक है। तो इस मूवी को लेकर के कितना एक्साइटेड हो कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर कुछ अपडेट आती है तो हम बता देंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अनुराग बासु की मोस्ट अवेटेड फिल्म मेट्रो इन दिनों को लेकर के, जिसका रिलीज डेट कन्फर्म हो गया है। फिल्म 8 दिसंबर को रिलीज होने वाली है और इसके स्टार कास्ट की बात करें तो आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, अनुपम खेर, नीना गुप्ता, पंकज त्रिपाठी, कोनकोन सेन शर्मा, अली फजल और फातिमा सना शेख लीड रोल में होंगी। तो एक एंथोलॉजी फिल्म होने वाली है। सो इस मूवी को लेकर के कितना एक्साइटेड हो कमेंट बॉक्स में बता देना, और कुछ अपडेट आती है तो हम बता देंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है मुन्नार ठाकुर की अपकमिंग फिल्म को लेकर के, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है और इसकी शूटिंग भी शुरू हो गई है पर अभी तक इसका टाइटल अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन फिल्म में मृणाल ठाकुर के साथ नानी लीड रोल में होंगे। सो ये मूवी कैसी है, क्या है, कुछ अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।